नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपीकेटेट प्रवेश परीक्षा के लिए जीव विज्ञान, जिसमें बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस को समग्र रूप से सम्मिलित किया गया है। ओके, तो इसमें जो है पीजी ग्रुप हो या पीसीबी ग्रुप हो या बीबीएससी स्पेशल, सभी के प्रकार के आपके क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए उसको आपको कमेंट करके बता देना है। शुरू करेंगे और देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। ओके, तो इधर रहा आपका पहला क्वेश्चन, कवकों में संचित भोजन होता है, डू फंगी हैव एक्युमुलेटेड फूड। तो किस रूप में संचित होता है? यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, जो कवक होते हैं उनमें, यानी जो फंगी होते हैं उसमें ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ओके, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट वन, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया, फर्स्ट स्टडी ऑफ लिविंग सेल, यानी कोशिका का अध्ययन तो किया गया लेकिन इसमें जो है जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? तो लिवियन हॉक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, लिवियन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका का अध्ययन किया गया था। ओके, जबकि कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिन्होंने एक मृत कोशिका की वहाँ पे ऊपर सर्च किया था। नेक्स्ट वन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ए प्रोकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात की जाए तो क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए, इसमें डीएनए होता है, यानी प्रेजेंट जो है क्या होता है, डीएनए होता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कार्डेटा संघ के विषय में आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स रिगार्डिंग द यूनियन ऑफ द कार्डेटा, यहाँ पे आपका फाइलम भी कह सकते हैं। ओके, संघ की बात की जा रही है, यूनियन ऑफ कार्डेटा, तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, नर व मादा एक ही, देखिए आपका प्राणी जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है, एकदम सही है। मछलियों में ग्रसनी विदर क्लोमो में परिवर्तन होते हैं, यस। जंतु में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, यस, एकदम सभी सत्य हैं। जबकि नर व मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल आर इन द सेम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, यानी कौन सा हो जाएगा आपका असत्य, कौन सा, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन ही थी राइट ऑप्शन, जिसमें क्या हो जाएगा, नर व मादा अलग अलग होते हैं, यानी सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस में उत्सर्जन ब्रिको द्वारा नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रिएटेड बाय द किडनीज। किसके अंदर यहाँ पे जो है ब्रिक जो होते हैं, यानी किडनी जिसको कहते हैं, उसके द्वारा उत्सर्जन नहीं किया जाता, कौन है ऐसा? देखिए, घोंघा में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, टाइटन में भी होता है, सीपी जो होती है उसमें भी होता है, जबकि हाइड्रा में आपका नहीं होता, याद रखिए, हाइड्रा में जो है विसरण के द्वारा होता है, ठीक है, विसरण विधि के द्वारा यहाँ पर उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित वाक्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सत्य वाक्य चुने, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द ट्रू सेंटेंसेस। तो आपका दे रखा है, पुरुषों में 23वीं जोड़ी के लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं, एकदम सही है। देयर सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द 23rd पेयर इन मेल्स इन अनइक्वल, एकदम सही है आपका। सेकेंड वन, महिलाओं में 23वीं जोड़ी के लिए लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, यानी एक्स एक्स होते हैं, और इसमें पुरुषों में एक्स वाई। द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द 23rd पेयर इन ए फीमेल आर आइडेंटिकली यक्स यक्स, तो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, दोनों चीज़ें आपके क्या है, यहाँ पे आपका सही है, दोनों यहाँ पे आपका सत्य है, तो कौन हो जाएगा, ए और दो, यानी दोनों सत्य हैं, एक और दो आपके दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में कौन सा स्तनी वर्ग का प्राणी नहीं है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ क्रीचर ऑफ द ब्रीथ बोन बॉडी। ब्रीथ बोन रहेगा, बॉडी नहीं है। देखिए, कंगारू भी होता है क्योंकि बच्चा पैदा करता है, चूहा भी, चमगादड़ भी, जबकि क्या शुतुरमुर्ग क्या होता है, ए आपका अंडे देता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मानव किस महावर्ग के अंतर्गत आता है, यहाँ पे के रहेगा, के अंतर्गत आता है, विच सुपर क्लास डज ह्यूमन बिलोंग टू, तो आदमी जो होते हैं किस महावर्ग के अंतर्गत आते हैं, अगर राइट आंसर की बात की जाए, टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, टेट्रापोडा। ओके, नेक्स्ट वन, केंचुआ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अर्थवर्म। आपके यहाँ पे देख क्या कह रखे हैं, केचुआ के शरीर का भूरा रंग पोरफायरिन के कारण होता है, एकदम सही आपका है। केचुए में बंद परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, यहाँ पे क्या होता है अनुपस्थित होता नहीं है, यहाँ पे आपका क्या होता है उपस्थित होता है यानी प्रेजेंट होता है। ब्राउन कलर ऑफ द अर्थवर्म इज ड्यू टू द पोरफायरिन, एकदम सही है। अर्थवर्म हैव द क्लोज सर्कुलरी सिस्टम, देखिए हैव अ क्लोज्ड सर्कुलरी सिस्टम, इसके पास जो है यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो है लिखा गया है पूरा हैव अ क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम, तो इसमें जो है इंग्लिश में आपका सही लिखा हुआ, जबकि इंग्लिश में जो है केचुए में बंद परिसंचरण तंत्र जो है अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पे क्या होता है रिप्रेजेंट हो जाएगा अर्थवर्म हैव अ क्लोज्ड सर्कुलरी सिस्टम रिप्रेजेंट, ठीक है, यानी उसमें आपका प्रेजेंट होता है वो अनुपस्थित नहीं होता है, उपस्थित आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक आपका सही है, इसका ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के अनुसार चलेंगे अर्थवर्म हैव अ क्लोज्ड सर्कुलरी सिस्टम, मतलब अर्थवर्म जो है क्या होता है कि एक बंद परिसंचरण तंत्र रखता है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश के अनुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोथ हो जाएगा, लेकिन हिंदी के अनुसार अगर देखा जाएगा तो फर्स्ट वन आपका सही होगा, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, केचुओं में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य किसका निर्माण करना है, व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ द क्लाइटेलम इन अर्थवर्म्स। तो यहाँ पे 10 के राइट आंसर की बात की जाए तो क्या होता है कोकून का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या होता है यहाँ पे कोकून का निर्माण करना। कांकरोच का संपूर्ण शरीर एक दृढ़ काइटिनी आवरण से ढका होता है जिसे कहते हैं द इंटायर बॉडी ऑफ द कॉकरोच, यानी क्रिकेट भी कह सकते हैं, इज कवर्ड विद अ फर्म शीटनिंग काइटिनी कवर विच इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो उसे क्या कहा जाता है क्यूटिकल कहा जाता है, याद रखिएगा क्यूटिकल, यानी बी ऑप्शन दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मादा खरगोश में कितने अंडाशय उपस्थित होते हैं, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन द फीमेल रैबिट, तो कितने होते हैं यहाँ पे दो होते हैं, याद रखिएगा दो। नेक्स्ट वन, खरगोश में प्रोटीन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है, वेयर डज द रैबिट डाइजेस्ट मोस्ट ऑफ इट्स प्रोटीन, तो कहाँ पे पचता है राइट आंसर की बात की जाए अमाशय में यानी स्टमक में, आदमी का आपको बताना है कि आदमी का जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पचता है। खरगोश मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करता है, व्हाट डज द रैबिट इमिट एज द मेन नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे यूरिया का, याद रखिएगा, ठीक है यूरिया। नेक्स्ट वन, अमरत्व यानी इमोरलिटी की बात की जा रही है का गुण किसमें पाया जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ इमोरलिटी इज फाउंड इन, तो किसमें पाया जाता है ये हाइड्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा हाइड्रा में, ओके। नेक्स्ट वन, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित है, वेयर इज द मेजर बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी लोकेटेड, तो कहाँ होता है अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कान के आंतरिक भाग के पास में होता है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, कान का जहाँ आंतरिक भाग होता है वहाँ पर होता है मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा धीमा न्यूरो ट्रांसमीटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो न्यूरो ट्रांसमीटर, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया है करेसुक दंड, यहाँ पे कशेरुक दंड का ऊपरी भाग अपर पार्ट ऑफ दी वर्टेब्रे, ओके डी वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अवस्था नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक कंडीशन, यहाँ पे जेनेटिक कंडीशन कौन सी नहीं होती है, इसके राइट आंसर की बात के इरेटेबल बाउल सिंड्रोम, याद रखिएगा आनुवांशिक अवस्था नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन,
अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है क्योंकि कैंसर इज मोर कॉमनली इन रिलेटिवली ओल्डर पीपल बिकॉज कर्क रोग को कैंसर ही कहा जाता है, याद रखिएगा, शुद्ध हिंदी लिखा है। उनके रोग रोधक्षम तंत्र अपभ्रष्ट हो जाते हैं, जो वृद्ध होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो ये आपका गलत है। एंड देयर इम्यून सिस्टम हैव बिकम इम्पॉवर, ये आपका गलत है, मतलब ये आपका नहीं हो सकता इसका आंसर। अवस्था के साथ साथ कुछ हार्मोन की पूर्ति घट जाती है, ये भी गलत आपका है, यानी द सप्लाई ऑफ द मोर सर सम हार्मोन्स डिक्रीजेज विद द स्टेज, ये भी गलत है। उनके शरीर बदलते वातावरण के साथ समन्वय में नहीं कर पाते, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट वन है, उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो गए होते हैं। नेक्स्ट वन, द लार्ज अमाउंट ऑफ द म्यूटेशन हैव एक्युमुलेटेड इन देम, यस डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शरीर की हड्डियों में जो चीज़ें स्थिर होने लगती है इस वजह से वहाँ पे समस्या होती है। नेक्स्ट वन, मलेरिया रोधी दवाइयाँ किस पादप से प्राप्त होती हैं, एंटी मलेरिया ड्रग्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम विच प्लांट, तो अभी 20 क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, सिनकोना से प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा सिनकोना। नेक्स्ट वन, अनार तो क्या है, व्हाट इज एमरहिया, एमनोरिया, तो ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका इसके लिए जो है इसका मतलब क्या होता है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म की अनुपस्थिति, यानी जो जिनमें जो है आपकी जो महिलाएं होती है उसमें जो है मंथली जो साइकिल होती है उसकी जहाँ पे अनुपस्थिति होती है उसकी बात की जा रही थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन के लिए होता है, ठीक है। ऋतुस्राव या रजोधर्म की अनुपस्थिति को कौन दर्शाता है, अनार तर्व दर्शाता है, ठीक है। देन देयर इज एब्सेंस ऑफ द मेंस इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, एक ही चीज़ दोनों है तो इंग्लिश तो एक ही रहेगी ना। नेक्स्ट वन, संजीव प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज द विवर पराइस, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो यहाँ पे देखिए इसके जो मतलब होता है संतान को जन्म देने वाले स्तनधारी प्राणी। मैमल्स दैट गिव बर्थ ऑफ द ऑफरिंग ऑफ स्पायरिंग आर एनिमल्स, यानी कौन से हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, व्हाट इज स्टडी इन एंथोनोलॉजी, एथनोलॉजी, इक्थोनो यहाँ पे सी रहेगा उसके बाद एन ओ एल ओ जी वाई, इक्थोनोलॉजी, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिए मछलियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन है, निम्न पादप रंजकों में से कौन सा लाल प्रकाश अवशोषित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डाइज एब्जॉर्ब रेड लाइट, तो कौन कर लेता है, फोलिस कर लेता है, यानी पर हरिम जो है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सही युग्म को पहचाने, आइडेंटिफाई दी करेक्ट पेयर, तो यहाँ पे करेक्ट जो पेयर है वो कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन सा जगह, लाइसोजाइम जीवाणु से है, बाकी सब आपका गलत है, ओके। तो करेक्ट पेयर आपका फर्स्ट वाला है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और इसका पीडीएफ आपको अभी अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जरूर जुड़े ताकि आपको पीडीएफ सभी जितने भी वीडियो आपके अपलोड हैं सभी के आराम से मिल सकें, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और कोई किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जो उनका आंसर आपको बताया जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फार्मी में, सर थैंक यू।